Hello everyone, I'm Shikha and today we discuss about the important topic of molecular biology. Molecular biology weightage is around 10 to 12 questions in part C and 5 to 6 questions in part B. Molecular biology में हमारा जो first most important topic आता है वो आता है replication. Replication से mostly every time question repeat होता है, full replication बहुत ज़्यादा important. बट स्टिल आप रेप्लिकेशन में टोपो आइसोमेरेज, डीएनए पॉलीमरेज, उनके इनहिबिटर्स, उनके सब यूनिट्स, कौन सा इनहिबिटर कौन सी सब यूनिट को सप्रेस कर रहा है, ये बहुत अच्छे से करके जा सकते हैं. सेकेंड टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इज अ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब ट्रांसक्रिप्शन फुल प्रोक्रियोट्स का भी कभी जाना है, यूकेरियोट्स का भी करना है, बट स्टिल यूकेरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होता है. एंड यूकेरियोट्स में भी टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, उनके इनहिबिटर्स हो गए एंड उनके फंक्शंस एवरी यूनिट की, एवरी सब यूनिट की. देन एक ट्रांसक्रिप्शन में से प्रमोटर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. प्रमोटर से क्वेश्चन की कौन से प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, प्रमोटर की लोकेशन क्या है, डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है, इससे रिलेटेड. एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारा यूकेरियोट्स में आते हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से क्वेश्चन हमारा यूकेरियोट्स में आना ही आना होता है एवरी टाइम. Then third most important topic is translation. Translation से भी हमारा question every time आता है. Vogel hypothesis से question आता है. Next जब हमारे translation के steps आते हैं उसमें initiation factor, release factor, elongation factor इनसे question आता है. And inhibitors भी. हमारा जो transcription है, translation है, replication है, इन तीनों में ही enzymes और उनके inhibitors इनको अच्छे से करके जाए. Then next most important topic is regulation of eukaryotic gene and prokaryotic. इसमें हमारा जो मोस्टली आता है वो प्रोकैरियोट्स में ऑपेरॉन मॉडल आता है. ऑपेरॉन मॉडल में हमारा ट्रिप ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन है. लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन एवरी टाइम रिपीट होता है. लैक ऑपेरॉन से भी हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन टाइप्स है, उनमें से भी हमारा नेगेटिव रेगुलेशन से क्वेश्चन एवरी टाइम रिपीट होता है. एंड इफ म्यूटेशन हो जाएगा किसी भी जीन में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, अनइंड्यूसेबल होगा, इससे हमारा पार्ट थ्री का क्वेश्चन एवरी टाइम आ जाता है. एंड देन हमारा टॉपिक आता है इसमें हमारा यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, उससे भी हमारा 1 to 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है मोस्टली. देन नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए प्रोसेसिंग. आरएनए प्रोसेसिंग इज अ स्मॉल टॉपिक और उसको आप बहुत इजिली कवर कर सकते हो तो बेटर होगा, आप फुल करके जाओ, बिकॉज आरएनए प्रोसेसिंग से क्वेश्चन एवरी टाइम आ जाता है. बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन मोस्टली आता है. अदरवाइज आरएनए प्रोसेसिंग इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. आई जस्ट वांट टू से कि इनहिबिटर्स को स्किप ना करें. इनहिबिटर्स सारे के सारे इनहिबिटर्स करके जाएं, आइदर वो हमारे रेप्लिकेशन के हो, ट्रांसक्रिप्शन के हो, ट्रांसलेशन के हो, या कोई भी इनहिबिटर्स हो. जो हमारा यूनिट थर्ड है उसमें से जो पार्ट बी का क्वेश्चन जो भी बनता है वो मोस्टली एंजाइम्स और इनहिबिटर्स से ही बनता है. एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.